नमस्कार मित्रों, हम नवरात्रि पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम लांगुर के विषय में चर्चा करते हैं। हमारी जो दैवीय परंपरा है, इस परंपरा में यहाँ स्त्री पुरुष इन संबंधों की एक पूरी श्रृंखला है। यहाँ संबंध हैं, एक माँ है, एक पुत्र है, एक बहन है, एक भाई है, एक पति है, एक पत्नी है, एक पिता है, एक पुत्री है। सभी संबंधों का ताना बाना इस समाज के नैतिक मूल्यों को व्यवस्थित रखने के लिए हमारे शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने बनाया। जब हम कोई व्रत करते हैं तो उस व्रत में हम देवी के जो दैवीय स्वरूप हैं माँ भगवती के, उन स्वरूपों में देखते हैं कि माँ दुर्गा शेर पर सवार हैं और उनके आगे आगे हनुमान जी हैं और पीछे भैरवनाथ हैं। वो बटुक भैरव हैं। वो बटुक भैरव का प्रतीक ही हमारे नवरात्रों में पारण के समय जब हम कन्या पूजन करते हैं तो उसको लांगुर कहते हैं। वो लांगुर हनुमान जी को भी कहा जाता है। तो वहाँ आप जिस भाव में उसे समझ सकें, जिस भाव में उसे ले सकें, मूलतया परंपराओं का पालन करना है और उन परंपराओं का वैज्ञानिक तत्व समझना है। तो जो लांगुर है उसका पूजन कन्याओं के साथ ही करना चाहिए। तो जो लांगुर को पूजने की परंपरा है, ये वो बटुक भैरव और हनुमान जी को पूजने की परंपरा जैसा होता है। आप दो लांगुर भी बुला सकते हैं, उसमें एक को आप हनुमान जी के रूप में, बाल हनुमान के रूप में पूजें और एक को आप बाबा भैरवनाथ के रूप में, बटुक भैरव, छोटे बच्चे बाल रूप में भैरव जो हैं वो प्रसन्नता देने वाले भैरव, उन्हें पूजें। जैसे कन्याओं का पूजन है ऐसे ही उन बच्चों का भी आप लांगुर के रूप में पूजन करें। उन्हें भी भोजन प्रसाद खिलाकर और उनको तिलक देकर, दक्षिणा देकर, अपनी यथाशक्ति आप उन्हें वस्त्र आदि से जो भी आप कर सकते हैं वो देकर आप उन्हें विदा करें। उससे आपको सुख संपत्ति और समृद्धि की अभिवृद्धि होगी। आज इतना ही।